का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। अभी इस मूवी का हीरो यानी अल्लू अर्जुन जब इन वाली लकड़ियों पर से उड़कर इन वाली लकड़ियों पर जा रहा होता है तब इन वाली लकड़ियों पर कोई भी रस्सी नहीं लगी होती और रस्सी न लगने की वजह से ये लकड़ियां इधर उधर भाग रही होती हैं। लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब तो उन लकड़ियों पर ये रस्सी कहाँ से आ जाती है और इधर उधर भागने वाली ये लकड़ियाँ अपने आप कैसे सेट हो जाती है रे बाबा। और फिर इस सीन में दिखाते हैं कि अल्लू अर्जुन की इतनी घमासान पिटाई हो रही होती है कि उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है केवल ऊपरी वाले पार्ट से लेकिन नीचे वाले पार्ट सिर्फ लाठी और डंडे के निशान बने होते हैं। लेकिन अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि लाठी डंडे के निशान कैसे बन गए रे बाबा, क्योंकि जब इनको पुलिस वाले मार रहे होते हैं तब उनकी लाठी और डंडे अल्लू अर्जुन की बॉडी से टच भी नहीं हो रहे होते हैं। देख लो कैसे डंडे लाठी लहरा लहरा के उनके साइड से निकल जा रहे हैं। और फिर इस सीन में एंट्री होती है अल्लू अर्जुन के न्यू लुक और अल्लू अर्जुन के इस लुक पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, वो भी दारू वाली पार्टी करेंगे दारू पार्टी। वेट 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 मेरे चचा के भतीजे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दारू की बोतल की पार्टी हो रही है, उसके अंदर दारू नहीं है। क्योंकि अगर बोतल के अंदर दारू होती तो भाई साहब यहाँ पर बोतल से दारू बाहर जरूर आती, क्योंकि इन भाई साहब ने बोतल को कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ मोड़ दिया है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और फिर इस सीन में दिखाते हैं वो नोटे जो आज से कुछ साल पहले मोदी जी द्वारा बैन कर दिए गए थे, वो भी इंडिया में। लेकिन वेट वेट वेट, क्योंकि ये नोटे इंडिया करेंसी में बैन कर दी गई हैं, तो इसका मतलब कि नई नोटे तो आ ही नहीं रही होंगी। तो फिर भाई लोग, जो पहले की इंडिया करेंसी की हजार हजार की नोटे थी उनमें यहाँ पर कोई भी स्लिप नंबर नहीं था, तो फिर ये न्यू स्लिप नंबर इसमें कैसे एडजस्ट करके चिपका दिया गया रे बाबा। और फिर इस सीन में जब ये पुलिस कांस्टेबल अल्लू अर्जुन की कनपट्टी पर ये बंदूक रखता है तभी अल्लू अर्जुन के सारे टीम के लोग अल्लू अर्जुन को बचाने के लिए आ जाते हैं। और इन्हीं सारे टीमों में से एक बंदा ऐसा भी होता है जिसको चक्कर या कमजोरी की कोई बीमारी होती है, मगर फिर भी ये बंदा अपने उस्ताद को बचाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन गाइस, जब ये बंदा खड़ा होता है तब इसकी आंखों में बहुत ही बड़ा नशा होता है जो इसकी बीमारी से रिलेटेड है। आप देख सकते हो इस बंदे की आंखें अपने आप ही बंद हो रही होती है। तू सच बोलता है। उस पर फ्लावर एंड फायर।